खाना और खाने वाला सिर्फ एक, इतना बड़ा महल जैसा घर और रहने वाला सिर्फ एक। अभी मुझे पता चला कि आप कौन हैं। क्या पता चला? कौन हूँ मैं? मैंने कहानियों की किताबों में आपके बारे में बहुत पढ़ा है। आप राजा है ना? राजा? बड़ा राजा? किंग सर। सर इसका मतलब आप किंग जैसे हैं? किंग जैसे नहीं, सचमुच किंग है किंग अंकल। नहीं मैं किंग हूँ और न ही तुम्हारा अंकल। Yes, sir. एक मिनट, एक आखिरी सवाल पूछूं? What? आपके यहाँ सब लोग बहरे हैं क्या? क्यों? तो फिर आप इतना चिल्लाकर क्यों बात करते हैं? Fanny, yes, sir. इसे यहाँ से ले जाओ, दो दिन घुमा फिरा कर इसे इसके अनाथ आश्रम में फेंकाओ। Yes, sir. Come. मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं आप? दो लड़कियाँ खड़ी हैं और आप बैठे हो, खड़े होकर बात कीजिए। ठीक है, दो दिन में मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन ये दो दिन आप मुझे घुमाएंगे। मैं? नेवर। तो फिर ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अखबार वालों से सब कह दूंगी। क्या कहोगी? यही कि किंग अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया पिलाया, बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाया फिराया। एक माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते जितना किंग अंकल ने एक अनाथ के लिए किया। लेकिन ये सब तो झूठ है। लेकिन ये तो सच है ना कि आपने मुझे यहाँ दो दिन रहने की इजाज़त दी। मैंने ये दुनिया सपने में भी नहीं देखी थी, आपने दिखा दी। बस इसीलिए ये झूठ में भी मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मुन्ना, झूठ बोलना बड़ी बुरी बात है। क्या थोड़ी सी खुशी पाने के लिए झूठ बोलना ठीक है? हम लोगों के लिए तो ठीक है करीम चाचा, हम अनाथों को थोड़ी खुशी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हमें दुखों के ही सहारे जीना पड़ता है। तारे, करीम चाचा, तारे निकलवाओ। एक गुड न्यूज देने के वास्ते, एक खुशखबरी है। हमारा मॉम हमारा और तुम्हारा शादी करने के लिए तैयार हो गया है। वेरी गुड। मगर मुच्छू डार्लिंग, मॉम का एक छोटा सा शर्त है। हाँ हाँ बोलो डार्लिंग बोलो। अरे तुमसे शादी बनाने के वास्ते हम ये पूरा पहाड़ काट सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, पहाड़ काटने की कोई जरूरत नहीं है। okay. बस तुमको अपना ये मूंछ काटना पड़ेगा। हमारा ये मूंछ, हमारा मर्द होने का निशानी? यू मीन इसका कुर्बानी? नो राइट। गुड डे। अपना मॉम को बोल दो कि और जो भी काटने को बोलेगा हम काट देगा। व्हाट? मगर ये मूंछ हर गेस नहीं काटेगा। क्या बोला? नहीं काटेगा? नहीं नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। नहीं काटेगा? नहीं 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 काटेगा। नहीं काटूंगा। हमारा वास्ते भी नहीं काटेगा? बोला ना, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। है जैसे चूहे की पूंछ काटी।
तब कहीं जाके है मुझ के आई, पूछो ना कैसे मैंने मुझ को गाई। तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चे लोग? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। ये क्या छुपाया है? दिखा मुझे। कुछ नहीं। घोर जीजी तेरे से दिखाता है या चमड़ी उधेड़ दूँ? मशहूर बिजनेसमैन अशोक बंसल की रानीगढ़ यात्रा, उनके घर में रह रही अनाथ बच्ची मुन्ना की उनके बारे में राय। अच्छा, तो अब ये कुतिया उस बड़े आदमी के घर में जा पहुंची है और उसके साथ ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर रही है, उस आदमी के साथ जिसने मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए थे। मिस्टर अशोक बंसल, अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी अनाथ पर तरस नहीं आएगा तुझे। बंसल हियर। मैं शांति देवी बोल रही हूँ, रानीगढ़ अनाथ आश्रम की मेट्रन। माफ कीजिएगा, लेकिन आप जैसे बड़े आदमी से मुझे इतनी छोटी और की हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। क्या बकवास कर रही हैं आप? अच्छा,
क्या आप मेरे अनाथ आश्रम से मुन्ना नाम की एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले ले गए? What? शायद आप जानते नहीं मिस्टर अशोक कंसल कि अनाथ आश्रम से किसी भी बच्ची को बगैर इजाजत के उठा के ले जाना कितना बड़ा गुनाह। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, आप झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। ब्लडी, ये तो अब आप कोर्ट में साबित कीजिएगा मिस्टर अशोक बंसल। मुन्ना जी, क्यों अंकल, क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे अनाथ आश्रम से उठाकर यहाँ लाया हूँ? नहीं तो मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। यही बात तुम अपने मेटरन के सामने कह सकोगी? क्यों नहीं, जरूर कहूंगी। गुड, तो हम इसी वक्त यहाँ से चलेंगे। मगर किधर सर? इडियट, रानीगढ़ और कहाँ? गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, इकरार कैसा होगा? गोरों की ना कालों की दुनिया है दिलवालों की। जा 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 कबूतर, जा जा जा। जस नहीं, जस शुरू करना है। कबूतर ही को तो जाने को बोल रही हूँ ना किंग अंकल, अभी जाने को पहले बोलूँ या कबूतर को पहले बोलूँ, बात तो एक ही है। चीटिंग, दिस इज चीटिंग। गाड़ी झटक झटक कर क्यों रुक गई? देखता हूँ सर। क्या हुआ? लगता है सर डायनामो फेल हो गया, इसे निकालकर पिछले गांव में ले जाना पड़ेगा, ये गैरेज में ही ठीक होगा। What? तो फिर हम रानी घर कैसे बचेंगे? किसी से लिफ्ट ले लेंगे। लिफ्ट? ओ बाऊ, महाराज जी नीचे उतरो, हमको इस रास्ते से जाना है। लेकिन हमें रानीगढ़ जाना है। वो रोका किसने है? रानीगढ़ का रास्ता वो है। कम 20 किलोमीटर के हम चल कर जाएंगे बेवकूफ। ओए उधर मुड़ो और हमें छोड़ कर आओ। ओए मुछड़, ओए सुर नीचे सुर नीचे। ओए मैं तेरा कोई खानदानी गुलाम हूँ जो रानीगढ़ छोड़ने जाऊंगा? बदतमीज, तुम जानते हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? खड़े खड़े मैं तुम्हारा ट्रक खरीद सकता हूँ। ओए ओए की आखी आई, ओए तू मेरा ट्रक खरीदेगा? पैसे की बहुत गर्मी है तो घर में जाके आग ताप। बहुत बोल रहे हो, थप्पड़ मारूंगा। ओ थप्पड़ मारेगा? ले मार थप्पड़। अरे मार, अरे मार थप्पड़। ओ पे गई। ओ हैंडल दे। हैंडल नहीं है, राड है, राड। राड, घबरा मत की अंकल, हम दोनों आपके साथ हैं। ओए अब लम्या पाऊंगा। दादा पाना, और वो भी लोखंड का। लोखंड